दोस्तों, कर्नाटका चुनाव का जब से रिजल्ट आया है तब से अंधभक्तों के ऊपर बहुत बड़ी बवाल आई हुई है। कैसे अंधभक्तों को लेकर बड़े बड़े मीम बनाए जा रहे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक मीम दिखाऊंगा आपको कि कैसे कुछ मीम्स ऐसे वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है कर्नाटका इलेक्शन का और कांग्रेस को जब से जीत मिली है उसके बाद से सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की खिंचाई हो रही है। लेकिन वहीं पे साथ आप सुनिएगा कि राहुल गांधी ने इस कर्नाटका इलेक्शन को लेकर क्या बातें की है, वो सुनना आपको जरूरी है। ये दोनों वीडियो आप देखिए कि कैसे अंधभक्तों का एक तरफ मजाक बन रहा और वहीं पे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस जीत को लेकर, ये आपके स्क्रीन पे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। वीडियो देख लिया आपने, जब से कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट आया तब से सोशल मीडिया पे अलग तरीके से अंधभक्तों की खिंचाई चल रही है। आपको बता दूं कि कर्नाटका में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत हासिल की। 5 साल जिस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटका में शासन किया, वहां पे राज किया, उसकी सरकार जनता ने बदल दी और वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया, बड़े बड़े रोड शो नहीं चल पाए और ना ही मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की बात जो है वो चल पाई। जनता ने यहाँ विकास पे वोट दिया। आपने देखा होगा कि शुरुआती दिन, जिस दिन मतलब वोटिंग हो रहा था, वोटिंग होने वाला था, उस दिन कैसे ये तस्वीरें आपको देखने को मिली कि कैसे सिलेंडर को प्रणाम करके लोग जा रहे थे वोट देने के लिए। और आज जब रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट का परिणाम जो है वो कांग्रेस के तरफ गया, कांग्रेस के पक्ष में गया और 5 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में जनता ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, ये आपने सुना होगा। बहुत बड़ी बात कर रहे थे राहुल गांधी यहाँ पे। वहीं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के खेमे में भी बहुत उदासी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि उनके बाद से आपको समझ में आएगा कि आज लगता है कि किसी ने खाना और पानी नहीं पिया है। ऐसा लगता है कि शायद इनका उपवास चल रहा है। आप देखेंगे इनका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो गया, क्योंकि बीजेपी कर्नाटका हार चुकी है। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से यही अगर बीजेपी जीत जाती तो इतना बड़ा शोर शराबा सोशल मीडिया पे और इन मीडिया न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलता, लेकिन ऐसी कोई खबर अब सामने नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पासा जो है वो उल्टा पड़ गया, जिसको लेकर आज ये लोग बहुत ही ज्यादा खामोश आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट के बारे में और आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों से कांग्रेस जीत पाई है, इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।